सानिया जिसी आप देख रहे हैं प्रहार टाइम्स। दिसंबर महीने में ठाणे जिले में अवैध शराब पर छापेमारी की गई है। यहां अलग अलग जगहों पर बिना लाइसेंस देसी या विदेशी शराब ताड़ी जैसी चीजों की बिक्री पर छापेमारी कर कुल 86 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। 1,23,200 लीटर केमिकल और कई बड़ी मात्रा में शराब को बरामद किया गया है। साथ ही एक वैगनार कार और ऑटो रिक्शा भी बरामद हुई है। इनमें से एक कार्रवाई 21 दिसंबर को की गई थी। जानकारी के मुताबिक बिना लाइसेंस शराब या ताड़ी जैसी चीज़ों को बेचने वाले 7 गिरोह का पर्दाफाश हुआ है। आरोपियों के पास से कुल 3,18,220 रुपये जब्त कर मौके पर ही उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया है। खाद्य उत्पादन शुल्क विभाग थाने मार्फत आज आम्ही गावठी दारू आणि ताडीवरती कारवाई केली आहे। यामध्ये 240 लिटर ताडी आणि 557 लिटर गावठी दारू करणारी वाहनं पकडली आहे। त्यामुळे त्यामध्ये एक वॅगनार आणि एक ऑटो रिक्षा आणि एकूण 7 आरोपी असे 3,18,000 मुद्देमाल जप्त केलेला आहे। तसेच आज आयोजित केलेल्या हातबट्टी निर्मूलन विशेष मोहिमेमध्ये अंबरनाथ डोंबिवली कल्याण या भागामध्ये साधारणतः 35,500 बल्क लिटर एवढं रसायन जप्त करण्यात आलेलं आहे आणि 7 आरोपींना तिथे देखील अटक करण्यात आलेली आहे। तिथे 8,00,000 मुद्देमाल जप्त करण्यात आलेला आहे। दिवसभरामध्ये साधारणतः आम्ही 11,50,000 मुद्देमाल अवैध मद्यनिर्मिती विक्री आणि वाहतूक या माध्यमातून जप्त केलेला आहे। राज्य उत्पादन शुल्क विभाग ठाणे यांच्या मार्फत 1 डिसेंबर ते 20 डिसेंबर या कालावधीमध्ये आम्ही 260 गुन्हे दाखल केलेले आहेत। त्यामध्ये 164 वारस गुन्हे, 96 वारस गुन्हे, 171 आरोपींना अटक केलेली आहे। त्यामध्ये 5 वाहनं जप्त केलेली आहेत आणि 70,00,000 मुद्देमाल आम्ही जप्त केलेला आहे या 1 डिसेंबर ते 20 डिसेंबर या कालावधीमध्ये। तसेच